दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा दस का चैप्टर पाँच समांतर श्रेणी चैप्टर को एकदम अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं ठीक है तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप कक्षा दस में पढ़ते हैं तो बस आप इतना समझिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण क्यों है महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को एकदम अच्छे से समझाया है और उसके साथ साथ इस साल जो दो का पेपर हुआ है कक्षा दस का बोर्ड एग्जाम जो हुआ है तो उसमें गणित में इस चैप्टर से रिलेटेड जो जो सवाल आए हैं मैंने उन सवालों को भी इस वीडियो में रखा है ठीक ना यानी कि हम लोग समांतर श्रेणी चैप्टर को जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया है इस साल दो हजार चौबीस में तो मैंने उन सवालों को भी उसके साथ साथ ही हम लोग हल करेंगे ठीक है तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पेपर में कैसा प्रश्न आता है और एक बात और मैं आप आपसे कहना चाहता हूँ देखिए इस चैप्टर को इस वीडियो में मैंने जितना सरल तरीके से समझाया है उतना सरल तरीके से बहुत कम ही चांस है कि आपको पूरे YouTube पे मिलने वाला है ठीक है ये बात मैं केवल वैसे हवा में नहीं बोल रहा जैसे जैसे आप ये पूरा वीडियो देखेंगे आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा कि जो मैं बात बोला था वो सही बोला था ठीक है ना मैं आपको यहाँ तक बोल देता हूँ कि अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आता तो भी आपको ये चैप्टर मैं समझाने की गारंटी लेता हूँ ठीक है लेकिन आपको भी एक वादा करना है कि आप मेरी हर एक बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ आने वाला है क्योंकि भाई अगर आपके पास कोई पूरे दुनिया का बढ़िया भी टीचर है लेकिन अगर अगर आप उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे ना तो आपको कन्फर्म है समझ नहीं आने वाला तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देखिए और ध्यान से सुनिएगा आपको कन्फर्म में समझ आएगा भाई एकदम ज़रूर है समझ में आएगा तो देखिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी लेकिन कन्फर्म है कि जितना चीज़ मैं आपको समझाऊंगा अधिकतर चीज़ आपको समझ आ जाने वाला है ठीक है तो आप जब आप इतना समय लगाने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बता देता हूँ क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं तो देखिए हम लोग इस तरह के सवालों को हल करेंगे इसमें देखिए पूछा है कि दसवाँ पद बता दीजिए बीसवाँ पद बता दीजिए पंद्रहवाँ पद बता दीजिए इस तरह का सवाल ये जो दूसरा सवाल इसमें इस तरह का एक सवाल आता है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद एक है ऐसा करके ये सवाल देखिए इसमें पूछा है इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं इस सवाल को भी हम लोग हल करना सीखेंगे इस समांतर श्रेणी के इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए योग मतलब जोड़ ठीक है और यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए समांतर श्रेणी में कुल पदों का योगफल यहाँ पर भी योगफल ज्ञात करना है तो हम लोग इन सभी सवालों को समझेंगे एकदम अच्छे से और जो इस साल दो हज़ार चौबीस गणित पेपर में इस चैप्टर के सवाल आए हैं हम लोग उनको भी हल करते हुए चलेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं आप लोग कहीं आराम से बैठ जाइए और वीडियो को ध्यान से देखिए ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं समांतर श्रेणी इसको देखिए अंग्रेजी में ये बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है अब देखिए समांतर श्रेणी को साठ में ये बोला जाता है यहाँ से सौ ले लिया गया यहाँ से श्रेय ये देखिए ये ये जहाँ पर भी लिखा रहे समझिए समांतर श्रेणी लिखा है अब देखिए इंग्लिश का ये पहला ए ले लिया गया है पी ये, ये लिया गया है साठ में ये यानी कि समांतर श्रेणी को साठ में ये भी बोला जाता है साठ में ये भी बोला है बोला जाता है ठीक है अब देखिए इस चैप्टर में आपको सूत्र तो दो तीन और मिलेंगे लेकिन मैंने यहाँ पे केवल दो सूत्रों को लिया है यही दोनों सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है यानी केवल इन्हीं दोनों सूत्रों की सहायता से इस चैप्टर में जितने भी सवाल हैं आप उन सभी सवालों को लगा सकते हैं बहुत ही आराम से लगा सकते हैं ठीक है तो इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम लोग सवालों को हल करेंगे और ठीक है ना और हम लोग इसमें जो ये सब दिया है ये सब क्या चीज़ें अभी हम लोग आगे समझेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी होता क्या है ठीक है ना तो चलिए वही हम लोग समझने वाले हैं तो अब आप लोग ध्यान से समझते चलिए क्योंकि समांतर श्रेणी का सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होता क्या है ठीक है तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने मन से एक संख्या पाँच ले लिया है ठीक है और मैंने यहाँ पे एक संख्या दो ले लिया है अब मैं क्या करूँगा ये दो जो है ना इसमें जोड़ूंगा मैं इस पाँच में मैं जोड़ूंगा तो पाँच में दो जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा सात बन जाएगा अब इस सात में मैं यही दो यही दो जोड़ूंगा यही वाला दो तो क्या हो जाएगा नौ बन जाएगा फिर मैं इसमें वही दो जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा नौ दो ग्यारह बन जाएगा फिर मैं इसमें दो जोड़ूंगा देखिए जोड़ने का मतलब है कि प्लस दो प्लस का मतलब जोड़ होता है ना तो प्लस दो फिर मैं दो जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा ये तेरह हो जाएगा तो यहाँ पे मैं कामा कामा लगाते हुए चल जा चला चल, चलता हूँ ठीक है अब तेरह में फिर मैं दो जोड़ूंगा तो ये आपका हो जाएगा पंद्रह फिर मैं पंद्रह में दो जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा सत्रह हो जाएगा अब आप मेरे को ये बता दीजिए कि क्या ये सिलसिला कभी ख़त्म होने वाला है कभी ख़त्म नहीं होने वाला ये जो दो है मैं अगर दो जोड़ते हुए जाऊंगा जाऊंगा तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है ये आगे वाला संख्या आता ही जाएगा आता ही जाएगा आता ही जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पे इसी को हम समांतर श्रेणी बोल देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो सभी में मैं दो दो जोड़ रहा हूँ तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला है तो इसी को हम समांतर श्रेणी बोल देते हैं चलिए हम लोग एग्जाम्पल और ले लेते हैं देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या दो लिया और मैं इसमें छः अब जोड़ता हुआ चलूँगा तो इसमें जब मैं छः जोड़ूंगा तो अगला संख्या आठ हो जाएगा फिर मैं इसमें अगर छः जोड़ता हूँ तो आठ छः चौदह हो जाएगा फिर मैं अगर इसमें छ जोड़ता हूँ तो चौदह छः बीस हो जाएगा फिर मैं अगर इसमें छः जोड़ता हूँ तो ये आपका छब्बीस बन जाएगा अब बताइए ये सिलसिला कभी ख़त्म होने वाला है क्या कभी नहीं खत्म होने वाला इस डैश का मतलब है ना कि ये अनंत तक चला जाएगा मतलब बहुत दूर तक जाएगा जितना आगे चाहे उतना आगे तक हम जोड़ते हुए जा सकते हैं ठीक है अब इसमें जरा देखिए ये कैसे लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पे तीन में अगर मैं दो जोड़ता हूँ तो ये पाँच आ जाएगा पाँच में अगर मैं चार जोड़ता हूँ तो नौ आ जाएगा ठीक है और नौ में अगर मैं दो जोड़ता हूँ दो जोड़ता हूँ तो ये ग्यारह आ जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले दो जोड़ा गया है फिर चार ये तो अलग अलग संख्या जोड़ा जा रहा है यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं है समझ में आ गया ना देखिए समांतर श्रेणी ये है और जो मैंने अभी आपको पीछे जो बताया है वो है क्योंकि इसमें देखिए सेम संख्या को जोड़ते हुए आगे बढ़ा जा रहा है तो बस आप यही समझिए कि यही समांतर श्रेणी है एक घटाने वाला भी देख लेते हैं जैसे देखिए यहाँ पे मैंने संख्या चौदह ले लिया है अब यहाँ पे मैं तीन घटाते हुए जाऊँगा तो चौदह में से तीन घटा देंगे तो क्या अगला संख्या बनेगा अगला संख्या ग्यारह बन जाएगा फिर इसमें से अगर आप तीन घटाएँगे घटाने का मतलब होता है माइनस तो मैंने माइनस तीन लिया है फिर इसमें से तीन घटाएँगे तो अगला संख्या क्या बनेगा आठ बनेगा फिर अगर इसमें से तीन घटाएंगे तो अगला संख्या पाँच हो जाएगा फिर इसमें से तीन घटाएंगे तो अगला संख्या क्या हो जाएगा दो हो जाएगा फिर अगर आप इसमें से तीन घटाएंगे तो अगला संख्या क्या हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा फिर अगर आप माइनस तीन घटाएंगे तो अगला संख्या माइनस चार हो जाएगा देखिए घटाने का मतलब बस इतना ही समझिए कि ये जो माइनस तीन है ना इसके पीछे लग जा रहा है इसके पीछे आके लग जा रहा है जैसे ये चौदह है माइनस तीन इसके पीछे चिपक जा रहा है तो ये हल करने पर चौदह आ जाएगा फिर माइनस तीन इसके पीछे आके लग जाएगा तो ये संख्या बनेगा फिर माइनस तीन पीछे लग जाएगा तो ये आ जाएगा वैसे ही दो के पीछे माइनस तीन लगाना है तो ये माइनस तीन अब जब इसको छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं तो वो माइनस में आता है तो माइनस एक हो गया अब इसमें फिर माइनस तीन लगा देंगे पीछे तो माइनस एक में जब माइनस तीन पीछे लगा देंगे तो इसको हल करेंगे तो माइनस चार आएगा अगर आपको ये ये वाला हल करना नहीं आता कि कैसे हल करते हैं तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे, दे दूंगा आप देख देख सकते हैं ठीक है अब बताइए ये सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं तो ये भी ऐसे डाट 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 इस डाट 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 का मतलब है ना कि ये अनंत तक चलता जाएगा यानी आपका मन जहाँ तक आप घटाते हुए जाके आगे तक ऐसे कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं जितना चाहे उतना तो आप देख सकते हैं सेम ही संख्या घटाया गया सेम संख्या तो ये भी आपका समांतर श्रेणी है यानी समांतर श्रेणी दो तरह का हो सकता है यानी कि या तो संख्याएं बढ़ती हुई जाएंगी या तो संख्याएं घटती हुई जाएंगी आप देख सकते हैं ठीक है ना यानी कि अब बस आप इतना समझिए कि अगर सेम संख्या जोड़ करके श्रेणी बनाए तो वो समांतर श्रेणी होगा सेम संख्या घटा करके आगे बढ़े हुए हुए हैं तो भी समांतर श्रेणी ही है तो इस तरह से आप समझ गए कि समांतर श्रेणी बिल्कुल यही होता है ठीक है ना अब समांतर श्रेणी में अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से ये समांतर श्रेणी मैंने आपके सामने लिखा है ठीक है अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम नीचे गिनती भी लिखते हैं गिनती एक से गिनती स्टार्ट करते हैं ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा दो तीन चार पाँच छः सात मतलब जैसे जैसे ये इस श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे ये गिनती भी आगे बढ़ता हुआ जाएगा तो कुल मिला के देखिए एक एक के ऊपर ये है ना तो इसको हम समांतर श्रेणी का पहला संख्या बोलेंगे दो के ऊपर ये संख्या सात है ना तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी का दूसरा संख्या सात है समांतर श्रेणी का तीसरा संख्या नव है चौथा संख्या ग्यारह है समांतर श्रेणी का पाँचवा संख्या तेरह है अब देखिए हम लोग समांतर श्रेणी में संख्या को संख्या को संख्या नहीं बोलते हैं संख्या को हम लोग बोल देते हैं पद ठीक है और पद को अंग्रेजी में ये बोला जाता है तो बस आप इतना समझिए कि इसमें संख्याओं को हम लोग पद बोलते हैं जैसे हम लोग बोलेंगे पहला पद एक है तो देखिए इसमें हम लोग इस तरह से बोलेंगे कि पहला संख्या पहला संख्या पांच है तो हम लोग पहला पद बोलेंगे पहला पद पांच है दूसरा पद सात है तीसरा पद नौ है यानी पद मतलब संख्या जब भी मैं पद बोलूंगा आप दिमाग में चलना चाहिए कि मैं संख्या बोल रहा हूँ चौथा पद ग्यारह है ठीक है इतना आपको पता होना चाहिए अब देखिए इसको लिखने का एक तरीका होता है तरीका क्या होता है देखिए पहला संख्या पाँच है ना तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए वन ए वन ये हो जाएगा पाँच दूसरा संख्या सात है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए नीचे टू लिखेंगे ए टू बराबर सात मतलब ऐसे लिखा जाता है अब देखिए तीसरा संख्या नौ है तो हम लोग ए तीन बराबर ऐसे नौ लिख देंगे ए थ्री बराबर नौ हमेशा याद रखिएगा ये जो ए के बाद संख्या है ना वो ऐसे नहीं लिखना ये गलत है नीचे लिखा जाता है नीचे ठीक है ना और ए थ्री का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है ए गुड़ा तीन ये इसका मतलब नहीं है भाई ये पूरा मिला करके तीसरे संख्या को बता आ रहा है समझिए तीसरा संख्या लिखा हुआ है अब ये आपको समझने में दिक्कत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं आगे आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा ठीक है अब देखिए चौथा संख्या ग्यारह है ना तो हम लोग ए फोर बराबर ग्यारह लिख सकते हैं इसको ए फाइव बराबर तेरह ए सिक्स बराबर सोलह पंद्रह मतलब समझ सकते हैं ना कि ऐसे ही दिखाने का तरीका होता है समझ में आ गया चलिए हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें भी <coughs> जैसे मान लीजिए यह यहाँ पे ये सवाल है देखिए ये सवाल है ना यहाँ पे तो यहाँ पे भी गिनती लिखते हैं ये हो जाएगा एक नीचे दो हो जाएगा ये तीन ये हो जाएगा चार ये पाँच ये छः ये सात ठीक है आगे ये गिनती बढ़ता जाएगा ये पद बढ़ता जाएगा तो देखिए हमने अभी क्या बताया कि पहले संख्या को हम लोग ऐसे लिखते हैं ए नीचे वन बराबर चौदह ये पहला है ना अब ये टू है तो हम लोग ए लिखेंगे के नीचे ये दो लिखेंगे बराबर करके ग्यारह लिखेंगे मतलब ऐसे लिखने का तरीका होता है ठीक है यानी पहली वाली संख्या को हम लोग ऐसे लिखते हैं दूसरी वाली संख्या को ए टू से दिखाते हैं तीसरे वाली संख्या को ए थ्री से दिखाते हैं ए थ्री बराबर आठ इतना आप समझ गए ना मतलब जो भी समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ठीक है यहाँ पे हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये समझते हैं आपको दो चीज़ पता होना चाहिए आपको समांतर श्रेणी में ए पता होना चाहिए क्या होता है और डी पता होना चाहिए क्या होता है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ए क्या होता है ए यानी कि समांतर श्रेणी का जो पहला संख्या है ना उसी को हम लोग ए बोल देते हैं ठीक है तो कुल मिला ये समझिए इसमें ए बराबर क्या है चौदह है यानी कि ए वन को हम ए वन बोलिए चाहे ए बोलिए बात एक है ही है यानी समांतर श्रेणी की पहली संख्या को हम लोग ए से दिखाते हैं अच्छा डी क्या होता है डी देखिए ये जो है ना सेम चीज़ जो संख्या सेम संख्या घटाते हुए जा रहे हैं वही डी है यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस तीन डी को हम लोग बोल देते हैं सर्वान्तर इसको हम लोग बोल देते हैं सर्वान्तर डी डी का मतलब है कि सर्वांतर ठीक है तो इस समांतर देखिए कोई भी समांतर श्रेणी हो उसमें पहला संख्या कोई ना कोई होता है और डी कुछ ना कुछ होता है तो ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण है अगर आपको ये किसी समांतर श्रेणी के बारे में पता है ए और डी तो उसका हर एक चीज आप निकाल सकते हैं ठीक है ठीके? अभी हम लोग आगे समझेंगे अब देखिए ये भी समांतर श्रेणी है तो इसमें अगर मैं आपसे कि बता दीजिए ए क्या है यानी पहला संख्या क्या है तो पहला संख्या या पहला पद पहला पद क्या है दो है अगर मैं पूछूंगा डी क्या है तो आप डी क्या बताएंगे भाई छः छः जोड़ते हुए जाया जा रहा है तो ये प्लस छः है डी है तो प्लस छः लिखे चाहिए चाहिए लिखे बातें तो डी तो बता तो कभी -कभी तो बताने का सिंपल तरीका क्या है मैं आपको यहां पर बताता हूं देखिए शुरू वाला दो संख्या ले लीजिए पास पास वाला अब इसको क्या करिए आठ को पहले लिख लीजिए और दो को बाद में भेज दीजिए और बीच में माइनस लगाइए देखिए क्या आ रहा है छह तो यही तो डी था यानी डी आपको जब भी निकालना रहेगा ना आप ऐसे ही निकालेंगे अगर आप डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं तो डायरेक्ट लिखिएगा नहीं तो डायरेक्ट में गलती भी हो जाता है तो आप हमेशा ऐसे ही करेंगे कि आठ मतलब दो क्रम से कोई भी दो पास पास वाला संख्या ले लेंगे और दूसरी संख्या को पहले लिखेंगे और पहली संख्या को बाद में ऐसे करके हम लोग कोई भी ये दोनों भी ले सकते हैं मतलब बस दोनों पास पास वाले रहने चाहिए इस बीस को मैं पहले लिख लूँगा इस चौदह को मैं बाद में भेज दूंगा इसको हल करेंगे क्या आएगा छः ही आएगा हर जगह से छः आने वाला है समझ में आ गया ना सब बराबर रहेगा क्योंकि सेम संख्या जब जोड़ रहे हैं तो घटाएंगे ना तो हमेशा ही सेम संख्या भी सेम संख्या ही मिलेगा यही वाला ऊपर वाला ही मिलता है जैसे यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे d बराबर माइनस तीन आया था यहाँ पे देखिए हम लोग d निकालते हैं डायरेक्ट नहीं निकालेंगे इसको हटा देते हैं इसके जरिए निकालते हैं मैंने मान लीजिए मैंने चौदह ग्यारह ले लिया तो ग्यारह को पहले मैं लिखूंगा चौदह को मैं बाद में भेजूँगा और बीच में माइनस लगा दूंगा अब जब मैं इसको हल करूंगा देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आएगा और चौदह में से ग्यारह घटाएंगे तीन तो देख सकते हैं माइनस तीन आ रहा है आप यहाँ पर भी हल करेंगे वही आएगा देखिए बस दोनों पास पास वाला संख्या होना चाहिए दो को मैं पहले लिख लूंगा माइनस पाँच को मैं बाद में भेज दूंगा इसको हल करेंगे तब भी माइनस तीन आएगा आप देख सकते हैं डी माइनस तीन ही तो है तो डी का मान आप कहीं से भी निकाल सकते हैं अब देखिए कई लोग इस वीडियो को छोड़ने का प्रयास करेंगे सोचेंगे कि अब मैं छोड़ देता हूँ लेकिन ऐसा मत करिएगा ठीक ना ये सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था ठीक है इस वजह से मैं इतना इसमें टाइम ले रहा हूँ ठीक है ना चलिए हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं देखिए समांतर श्रेणी दो प्रकार का होता है एक परिमित समांतर श्रेणी होता है और एक अपरिमित समांतर श्रेणी होता है दोनों को हम लोग समझ लेते हैं परिमित समांतर श्रेणी क्या होता है देखिए ये समांतर श्रेणी ही है देखिए सभी में पाँच पाँच जोड़ा गया है पाँच पाँच जोड़ा गया है पाँच जोड़ेंगे तो ये आठ आ जाएगा पाँच जोड़ेंगे तो तेरह आ जाएगा तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसमें बता दीजिए ए क्या है और डी क्या है यानी ए मतलब पहला संख्या क्या है यानी पहला पद तो पहला पद तीन है अगर मैं पूछूँगा डी क्या है तो दो तरीके से डी बता सकते हैं इसमें आप देखिए पाँच पाँच जोड़ते हुए मतलब पाँच जोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो ये यही पाँच होगा ना डी या दूसरा तरीका डी बताने का क्या है भाई कोई भी दो कोई भी दो पास पास वाला संख्या उठा लीजिए तो अगली वाली संख्या को पहले लिख दीजिए और उसके पहले वाले को बाद में और माइनस लगा करके हल कर लीजिए देखिए उससे भी आएगा तो आपको यही तरीका हमेशा लगाना है क्योंकि इसमें गलती भी हो जाता है कभी कभी तो आपको ये तरीका हमेशा सही आएगा इससे डी तो चलिए हम समझ लेते हैं परिमित समानता सड़ी क्या होता है इतना बस आप समझ लीजिए कि जिस समांतर श्रेणी में हम लोग पदों की संख्या गिन के बता सकते हैं यानी ऐसे समझ लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समांतर श्रेणी में कितनी संख्याएं हैं तो आप बता देंगे ना एक दो तीन चार पाँच छः सात सात बता देंगे यानी जिस समांतर श्रेणी में संख्याओं की संख्या गिन के बता सकते हैं उसको परिमित कर देते हैं वैसे ये समांतर श्रेणी देखिए इसमें भी गिन के बता सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः तो ये भी आपका क्या है परिमित समांतर श्रेणी और एक हो जाता है अपरिमित समांतर श्रेणी यानी जिस समांतर श्रेणी में पदों की यानी संख्याओं की संख्या गिन के नहीं बता सकते हैं जैसे देखिए मैं अगर आपसे पूछूं कि इस समांतर श्रेणी में कितनी संख्याएं हैं तो आप कहेंगे एक दो तीन चार अगर जो चार बता रहे हैं वो गलत है चार नहीं होगा क्यों क्योंकि मेरे भाई ये ये देखिए डैश 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 लगा है डैश का मतलब बस इतना ही है ना कि देखिए इसमें देखिए दो जोड़ के आगे बढ़े हैं फिर दो जोड़ के छ आया है फिर दो जोड़ के आठ आया फिर दो जोड़ के आ, मतलब दो जोड़ के आठ आया जाए फिर जब दो जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा दस फिर दो जोड़ेंगे तो बनेगा बारह भाई ये सिलसिला कभी खत्म होगा क्या इस डैश डैश का मतलब यही है कि ये सिलसिला जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं ठीक है ना लेकिन इसमें देखिए डैश डैश नहीं लगा हुआ है तो जब डैश डैश नहीं लगाए तो आपको यहीं पे रुक जाना है आगे नहीं बढ़ना है लेकिन अगर मैं यहीं पे डैश 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 लगा दूं इसका मतलब ये आपका इस तरह का हो गया अपरिमित हो गया यानी डैश 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 लगा देंगे ना तो तब इसमें हम संख्या गिन के नहीं बता सकते क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा बहुत दूर तक जाएगा हमें पता ही नहीं है अब देखिए बस आप इतना समझिए मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ऐसे डैश करके डाट 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 लगा दिया मतलब ये आपका अपरिमित हो गया अब देखिए आपसे सवाल कैसे पूछेगा हम लोग इस सवाल की बात कर रहे हैं समांतर सृढ़ी इतने का दसवां पद ज्ञात कीजिए ठीक है ना चलिए इसी को डायरेक्ट लगा देते हैं ठीक है आपसे सवाल पूछा है कि समांतर सर्णी इतने का दसवां पद ज्ञात कीजिए ठीक है दसवां पद का मतलब क्या हुआ पद मतलब संख्या यानी कि दसवें नंबर पे आने वाली संख्या को आप बता दीजिए वही सवाल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये दो हो जाएगा ये सात हो जाएगा ये बारह हो जाएगा ये सत्रह हो जाएगा सबसे पहली बात ये समांतर सृढ़ी बोला है ठीक है अब देखिए ये डैश डैश से लग मतलब जितना आगे चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं तो इसका दसवां संख्या पूछा है कुछ नहीं करना सबसे पहले समांतर श्रेणी में आपको ए और डी निकाल लेना है सबसे पहला काम आपका यही होगा ठीक है ना तो ए बराबर क्या होगा ए बराबर यही हो जाएगा दो डी बराबर क्या हो जाएगा सात में से दो घटाएंगे क्या आ जाएगा पाँच आ जाएगा तो सबसे पहले ए और डी निकाल लेंगे ठीक है अब देखिए यहाँ पे मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ सबसे पहले सूत्र को हम लोग समझ लेते हैं ए एन बराबर क्या सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इन डी यहाँ पे इन होता है इस सूत्र में ए क्या चीज है ए आपका पहला संख्या है ये वाला डी क्या चीज है डी जो है सर्वांतर है <coughs> इसमें ए एन क्या है ये ए एन पूरा एक साथ आता है ए एन समझिए कि ये सब संख्याएं ही हैं ए एन ठीक है ना तो एन ये सब संख्या ही है इसमें एन क्या चीज है सिंपल देखिए एन क्या चीज है देखिए एन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं देखिए ये समांतर श्रेणी मैंने लिखा था इसमें ए बराबर पाँच है डी बराबर दो है इसमें देखिए मैंने नीचे गिनती लिखा था तो ये जो गिनती आपको दिख रहा है ना यही एन होता है बस आप इतना समझिए ये जो गिनती लिखा हुआ है एन का मान केवल यही हो ही सकता है ये गिनती वाला संख्या ही हो सकता है यही एन है ए एन क्या है ए एन ये सब पूरा है ए आ और ए डी और आपको पता है ये क्या चीज़ है ठीक है ना चलिए तो हम लोग इसी सूत्र का यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए एन दसवाँ पद पूछा है ना यानी कि देखिए ये पहला संख्या है ये दूसरा संख्या है तीसरा संख्या है चौथा ऐसे ही करके नीचे अगर दस लिखा है तो उसके ऊपर यहाँ पे कौन सा संख्या है वही संख्या आपसे पूछा है यानी कि ये सब एन का मान ही तो चल रहा है भाई तो एन बराबर दस हमें पता चल गया एन बराबर दस यानी कि दसवाँ पद पूछा है तो एन बराबर दस हो जाएगा पंद्रहवाँ पद पूछा है तो एन बराबर पंद्रह आगे यहाँ पर लिख देंगे अब इन सभी का मान इसी सूत्र में रख दीजिए तो देखिए यहां पे सभी का मान हम लोग रख देते हैं तो a बराबर दो रखिए तो देखिए a की जगह हमने यहां पे दो रख दिया ठीक है अब यहाँ पे देखिए n n की जगह दस रख लेते हैं तो ये हमने रखा है ए और n की जगह दस रखेंगे अभी मैं अभी आप आपको बताऊंगा कि इस a की जगह पे हमने दो क्यों नहीं रखा ये हो जाएगा प्लस n n की जगह क्या रखेंगे दस माइनस एक और यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुड़ा डी डी क्या चीज़ है डी आपका है पाँच बस आप इसी को हल करिए जरा तो ये हो जाएगा ए दस बराबर ये हो जाएगा दो प्लस सबसे पहले हम लोग इस कोष्टक वाले को हल करके गुड़ा करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तो दस में से एक घटेगा नौ और नौ पचे पैंतालीस देखिए यहाँ पर गुड़ा ही तो करना है तो ए दस बराबर क्या हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा सैंतालीस ठीक है तो अगर आपके पेपर में ये सवाल आ जाता है तो बिल्कुल ऐसे ही आप लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर यानी कि इस समानता सड़क का दसवां पद क्या है सैंतालीस है अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इस मैंने एक ही जगह पे क्यों नहीं रखा ध्यान दीजिएगा इसमें ए यहाँ पर भी दिख रहा है ए यहाँ पर भी तो ये जो एक का मान होगा हमेशा केवल यहीं पे रखेंगे इस एक ही जगह पे नहीं रखेंगे क्यों नहीं रखेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ मान लीजिए यहाँ पे आपने रख लिया दो और नीचे आपने ऐसे दस रख दिया ये आपने रख दिया तो क्या इस ऐसा संख्या आपने पूरे गणित में कभी देखा है इसका कोई मतलब नहीं होता मेरे भाई ये जो ए दस लिखा हुआ है ना ए दस लिखने का मतलब है कि दसवा संख्या लिखा हुआ है ये दसवा संख्या को दिखाने का तरीका है ठीक है यानी कि सिंपल से बात समझ लीजिए कि आगे बढ़ते जाएंगे तो दसवा संख्या सैंतालीस आएगा तो अगर पेपर में आता है तो बिल्कुल ऐसे इसको लगाएंगे ठीक है ऐसे ही आप बिल्कुल लगाएंगे लेकिन अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपको सूत्र मान लेते हैं याद नहीं है तो आप आंसर तक कैसे पहुँचेंगे देखिए ज़रा ये हो गया दो फिर सात वही समांतर श्रेणी लिखते हैं फिर बारह और सत्रह बारह सत्रह अब देखिए इस समांतर श्रेणी को हम जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं तो मैं इसको जरा आगे बढ़ाता हूँ पाँच जोड़ के देखिए आगे बढ़ाया है ये पाँच पाँच जोड़ा गया है तो मैं इसमें पाँच जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा सत्रह पाँच बाईस फिर पाँच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सत्ताईस फिर पाँच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बत्तीस फिर पाँच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सैंतीस फिर पाँच जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बयालीस फिर पाँच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सैंतालीस फिर पाँच जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बावन ये सिलसिला अभी भी आगे बढ़ता हुआ जाएगा ये देखिए मैं गिनती लिख रहा हूँ नीचे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ठीक है तो आपसे क्या पूछा है दसवां पद क्या है दसवां संख्या क्या है तो आप देख सकते हैं कि दसवां संख्या सैंतालीस ही है आप देख लीजिए ठीक है ना तो आप ऐसे भी आंसर मतलब ये केवल अगर, अगर उत्तर से अगर आपको मतलब है जैसे ऑप्शन में ऑप्शन वाला सवाल ये आ गया तो वहाँ पे केवल उत्तर से मतलब होता है तो आप ऐसे भी उत्तर तक पहुँच सकते हैं ठीक है ना तो देखिए दसवां संख्या ये है अगर मैं आपसे पूछ देता कि भाई ग्यारहवां संख्या बता दीजिए तो आप वो आंसर बावन आता लगाने के लिए क्या करते हैं ए डी तो वही रहेगा केवल यहां पे आपको ग्यारह कर देना है फिर इसी में रख के हल कर लेना है ठीक है अब देखिए आपने बेसिक समझ लिया तो अब आपका सवाल बड़े ही आराम से लग जाएगा ठीक है अब हम इस दूसरे सवाल को हल करते हैं क्या बोला है समांतर श्रेणी इतने का बारहवा पद बता दीजिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे समांतर श्रेणी लिख लेते हैं छः नौ बारह ये डाट डाट डा, ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ जाएगा तो सबसे पहला काम तो आपको ए और डी लिखना रहता है हमेशा अगर समांतर श्रेणी दिया है तो तो हम लोग ए बराबर क्या लिखेंगे छः और डी बराबर क्या हो जाएगा भाई डी बराबर हो जाएगा नौ में से छः घटाएंगे तीन तो यही हो जाएगा अब देखिए इसमें बारावा पद पूछा है तो यही तो एन होगा ठीक है ना गिनती गिनती यही एन होगा ठीक है अब यहाँ पे सूत्र लगाते हैं तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इन डी आपको ये सूत्र एकदम अच्छे से याद होना चाहिए ठीक है अब देखिए यहाँ पे दो सूत्र मैंने आपको बताया था यही दोनों सूत्र जो है अब वह यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ देखिए ये सूत्र जो है ना इसी सूत्र से अभी सभी सवालों को सवालों का हाल होगा ये सूत्र किस लिए अगर आपसे कह देता है कि समांतर श्रेणी में संख्याओं का योग बता दिए यानी जोड़ने के बाद क्या आएगा तो जब जब भी योग शब्द आ जाए ना जब योग शब्द कहीं दिखे तभी ये सूत्र लगेगा अगर योग शब्द नहीं दिख रहा है तो हमेशा यही सूत्र आपको लगाना है ठीक है ना चलिए तो इसमें आप देखिए योग कहीं पर नहीं लिखा है तो वो तो नहीं लगाएंगे यही लगने वाला है सभी का मान रख दीजिए तो हम लोग क्या ए बराबर छः रख देते हैं तो ये हो जाएगा ए एन एन की जगह ये हो जाएगा बारह बराबर अब देखिए ये क्या हो जाएगा ए ए की जगह छः हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा एन एन की जगह बारह माइनस वन यहाँ गुड़ा डी डी की जगह हो जाएगा तीन हल करिए इसी को तो ये हो जाएगा ए बारह बराबर बार 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 छः प्लस बारह में से घटाएंगे ग्यारह ग्यारह तीया तैंतीस तो ये बारह बराबर हो जाएगा जोड़ेंगे क्या हो जाएगा उनतालीस यानी कि बारहवा नंबर पे आने वाला संख्या क्या हो जाएगा उनतालीस हो जाएगा इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखिए समझ रहे हैं ये प्रैक्टिकली हम समझ रहे हैं देखिए समांतर शरीर लिख दे रहे हैं छः नौ बारह इसमें क्या तीन तीन जोड़ के आगे बढ़ना है तीन तीन जोड़िए तो बारह में तीन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा पंद्रह पंद्रह में तीन जोड़ेंगे अट्ठारह अठारह तीन इक्कीस इक्कीस तीन चौबीस चौबीस तीन सत्ताईस सत्ताईस तीन तीस तीस तीन तैंतीस तैंतीस तीन छत्तीस छत्तीस तीन उनतालीस उनतालीस तीन बयालीस इसके बाद ये सिलसिला भी चलता ही जाएगा गिनती लिखते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये हो जाएगा तेरह तो आप देख सकते हैं बारहवाँ पूछा है बारहवाँ पद बताइए तो देख सकते हैं कि बारहवा बारहवा नंबर पर क्या आ रहा है उनतालीस आ रहा है तो भाई बारहवें नंबर पर उनतालीस आ रहा है तो हम लोग इसको ऐसे ही तो लिखना सीखे हैं ए उनतालीस बराबर ए बारह बराबर उनतालीस ठीक है ये छाठवें नंबर पर इक्कीस है तो ऐसे ही तो लिखेंगे ए छः बराबर इक्कीस ठीक है ना तो देख सकते हैं ए बारह बराबर उनतालीस आ रहा है इसका मतलब कि बारहवाँ पद उनतालीस है अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भैया इसका बता दिए सौवा पद क्या है यानी कि ऐसे ही सौवें नंबर पे आने वाला संख्या तब उसको गिन के तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो वहाँ इसीलिए सूत्र बनाया गया जल्दी लग जाएगा तो एन की जगह सौवा पद कहेगा तो एन की जगह सौ रख दीजिए ठीक है तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस सवाल को लगाते हैं अब देखिए इस सवाल को लगाने के बाद पेपर में एक सवाल आया है मैं उसको भी हल कराऊंगा तो देखिए इस समान ए पी ए पी मतलब क्या इस समांतर श्रेणी का आठवां पद बताइए तो इसमें चलिए हम डायरेक्ट लगाते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर आपका ये हो जाएगा पंद्रह डी बराबर क्या हो जाएगा देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा बारह में से पंद्रह घटा रहे हैं छोटी में से बड़ी संख्या तो ये माइनस तीन आ जाएगा आठवां पद पूछा है तो एन बराबर आप आठ रख दीजिए ठीक है अब योग की बात नहीं किया गया है तो हम लोग यही पहला वाला सूत्र ही लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो यहाँ पे ए एन एन की जगह क्या हो जाएगा आठ बराबर ए ए की जगह ये हो जाएगा पंद्रह प्लस एन माइनस वन एन है आठ माइनस वन यहाँ गुड़ा लगाइए डी डी की जगह क्या हो जाएगा डी की जगह हो जाएगा माइनस तीन तो यहाँ पे हो जाएगा ए आठ बराबर पंद्रह और यहाँ पर देखिए आठ में से यहाँ पे देखिए चलिए प्लस लिख लेते हैं आठ में से घटाएंगे एक सात हो जाएगा सात का माइनस तीन में गुड़ा करना है सात का माइनस तीन में तो जब गुड़ा करेंगे तो माइनस इक्कीस आएगा तो ये प्लस है आ, आगे माइनस इक्कीस आने वाला है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस इक्कीस ही हो जाएगा तो ए आठ बराबर क्या हो जाएगा पंद्रह में से इक्कीस घटाएंगे छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं ना तो माइनस में आएगा माइनस छः तो यही आपका क्या हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा अब देखिए ये ये सवाल पेपर में आया हुआ है इसी साल दो हज़ार चौबीस में ही क्या पूछा है समांतर श्रेणी ए पी इतने का बीसवा पद होगा मतलब ये ऑप्शन वाला सवाल आया था केवल ऑप्शन में ट्रिक लगाना था लेकिन लिखने वाला अगर आपका आएगा तो ऐसे लगाएंगे जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ तो समांतर श्रेणी इसका बीसवां पद पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं ए बराबर आप लिख लीजिए दस डी बराबर क्या हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा माइनस तीन और बीसवां पद पूछा है तो एन बराबर यही बीस लिख लीजिए अब यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे सूत्र लगा लेते हैं तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा ए एन एन की जगह क्या रखने वाले हैं बीस और यहाँ पे हो जाएगा ए ए बराबर हो जाएगा दस प्लस यहाँ पे हो जाएगा बीस माइनस एक गुड़ा डी डी की जगह क्या हो जाएगा माइनस तीन तो यहाँ पे हो जाएगा ए बीस बराबर दस प्लस बीस में से एक घटाएंगे क्या हो जाएगा उन्नीस और उन्नीस का माइनस तीन में गुड़ा करेंगे तो ये हटा देते हैं माइनस संतावन आ जाएगा ठीक है ना तो इस तरीके से देखिए इतना आ गया माइनस संतावन अब छोटी संख्या में से इतना घटाएंगे तो ये आपका बीसवा पद क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा माइनस सैंतालीस तो यही आपका क्या है आंसर है ठीक है तो ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है पेपर में आया हुआ एक प्रश्न हम लोग और हल कर लेते हैं ठीक है देखिए पेपर में ये भी प्रश्न आया है बोला है समांतर श्रेणी इतने का सर्वान्तर ज्ञात कीजिए यानी डी ज्ञात कीजिए तो भाई डी कैसे ज्ञात करना रहता है कोई सा भी दो पद पकड़ लीजिए अगल बगल के तो चलिए मैं इसी को ले लेता हूँ अब अगले वाले को पहले लिख दीजिए और इसको बाद में और बीच में माइनस लगा दीजिए तो हल करेंगे तो क्या आएगा ये आपका आ जाएगा चार तो यही आपका है आंसर भाई आप यहाँ से भी लगा सकते हैं इस इससे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं ये दूसरा तरीका है लगाने का क्या करेंगे पास पास वाले मैंने दोनों पद ले लिया इसको मैंने सबसे पहले लिख लिया इस वाले को मैंने बाद में भेज दिया और दोनों के बीच में हमें माइनस लगाना रहता है ठीक है तो डबल माइनस का चिन्ह नहीं हो सकता है तो इसको क्वेश्चन में कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अब माइनस माइनस का गुड़ा करेंगे तो प्लस पाँच हो जाएगा इसको हल करेंगे तो चार आएगा अगर आपको ये हल करना नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा आप देख लेना तो ये भी चार ही आएगा देख सकते हैं दोनों से चार ही आ रहा है तो इस तरीके से आपसे कोई सा विपद पूछेगा आप निकाल सकते हैं चलिए अब हम लोग इस तरह के सवाल को हल करते हैं देखिए क्या बोला है बोला है समांतर श्रेणी इतने का कौन सा पद यानी कौन सा संख्या इकतीस है मतलब क्या ये सवाल क्या पूछना चाह चाहिए आपको समझ आना चाहिए यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ तीन सात ग्यारह का माइए डाट 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 इसका कौन सा पद इकतीस है मतलब ये पूछना ये चाह रहा है ना कि भाई पाँचवा पद इसका इकतीस है कि छठवां पद इकतीस है ये पूछना चाह रहा है आपको सवाल अच्छे से समझ आना चाहिए ठीक है तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ ताकि आपको सवाल लगाने में दिक्कत ना हो ये हो जाएगा तीन ये हो जाएगा सात ये हो जाएगा ग्यारह देखिए ये समानता श्रेणी है ना इस समांतर श्रेणी को हमारा मन जितना आगे चाहे उतना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए जरा आगे इसमें क्या करना है चार जोड़ना है तो तीन चार सात सात चार ग्यारह ग्यारह चार पंद्रह पंद्रह चार उन्नीस उन्नीस चार तेईस तेईस चार सत्ताईस सत्ताईस चार इकतीस इकतीस चार पैंतीस पैंतीस चार उनतालीस अभी भी ये सिलसिला आगे बढ़ता ही जाएगा नीचे गिनती लिखते हैं एक दो तीन चार पाँच ये गिनती बस मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ आपको ये नहीं लिखना है केवल यही लिखना है पाँच छः सात आठ नौ दस तो आपसे क्या आप कह रहे है कि कौन सा पद इकतीस है आप देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए इकतीस भाई किस नंबर पे आ रहा है आठवें नंबर पे ना तो हम कह देंगे कि भाई आठवां पद इकतीस है यानी यही आपका आंसर है मैं अगर से आपसे पूछूं कि इस समांतर श्रेणी में दसवां पद क्या है तो आप बताएंगे ना कि उनतालीस या फिर मैं अगर आपसे इस तरह पूछूं कि उनतालीस जो है कौन सा पद है कौन सा संख्या है तो आप बताएंगे दसवा संख्या है तो आपको यानी कि कुल मिला के ये समझ लीजिए देखिए मैं आपको बताता हूँ यानी कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इकतीस आएगा कन्फर्म आएगा तो ये पहला संख्या ये दूसरा ये तीसरा वैसे यहाँ पे कोई ना कोई संख्या आएगा ना तो मैं इसी को मान लेता हूँ चूँकि हमें पता है कि ये ए नहीं होता है तो हमें यही नीचे वाला संख्या पता करना है कि ये किस नंबर पे आता है तो बस हमें ये पता नहीं है तो इसी को हम लोग एन मान लेते हैं समझ में आ गया ना इसी को एन मान लेते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ये जो गिनती होता है यही एन होता है तो हम लोग इसको एन मान लिया करते हैं मतलब यही संख्या ये समझिए एन नहीं है ये संख्या ज्ञात करना है यही एन का मान ज्ञात करना है ठीक है अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिए जरा अगर यहाँ पे ये तीसरा तीन लिख के ग्यारह है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं ए थ्री बराबर ग्यारह बोलिए ऐसा लिखते हैं यहाँ पे पाँच लिखा है गिनती वाला और ऊपर उन्नीस है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं ए पाँच बराबर उन्नीस वैसे यहाँ पे एन एन के ऊपर इकतीस है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भाई ए एन बराबर इकतीस ऐसे लिख सकते हैं ठीक है ना चलिए तो अब हम यहाँ पे सवाल लगाना चालू करते हैं तो हम लोग ए बराबर लिखेंगे क्या तीन डी बराबर क्या लिखेंगे डी बराबर भी आपका आराम से निकल जाएगा चार ठीक है और जब भी आपको इस तरह का सवाल है तो इसको हम लोग ए एन बोल देंगे क्यों बोलेंगे मैंने आपको ये समझा दिया हूँ इस तरह से अब डायरेक्ट फार्मूला लगाइए देखिए योग की बात योग की बात नहीं है तो हम लोग यही लगाएंगे सिंपल वाला फार्मूला ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन और ये हो जाएगा इन टू डी ठीक है चलिए इसमें सभी का मान रखिए तो देखिए ये ए एन ए एन बराबर इकतीस है तो ए एन के जगह अभी इकतीस रख सकते हैं क्योंकि ए एन बराबर इकतीस है इसके जगह रख सकते हैं अब ए एक की जगह हो जाएगा तीन प्लस अब देखिए हमें यही एन पता करना है गुड़ा डी डी की जगह क्या हो जाएगा ये हो जाएगा चार तो बस इसी एन को पता कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम गुड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा इकतीस बराबर तीन प्लस यहाँ पे देखिए हम इसको घटा नहीं सकते एन में से एक नहीं घटेगा तो यहाँ पे एक यही उपाय है कि कोष्टक घटाना चाहते हैं तो इस चार का गुड़ा करना पड़ेगा इसमें इसी चार का गुड़ा करना पड़ेगा इसमें तो चार का एन में करेंगे तो चार एन हो जाएगा चार का माइनस एक में गुड़ा करेंगे तो माइनस चार हो जाएगा ठीक है इसके बाद अब हमें क्या करना रहता है देखिए जरा इस चार एन को हम इधर ही अकेला कर देंगे बाकी ये संख्या ये संख्या हम बराबर के इधर भेज लेंगे तो प्लस तीन है तो इधर आके माइनस तीन हो जाएगा माइनस चार है इधर आके प्लस चार हो जाएगा ठीक है इसको जरा हल करते हैं तो इकतीस में से तीन घटाएंगे अट्ठाइस आ जाएगा और अट्ठाइस में से चार जोड़ा है तो ये हो जाएगा बत्तीस बराबर चार एन हो गया हमें तो एन ना चाहिए भाई एन तो इस चार को भी हटाना पड़ेगा देखिए दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुड़ा है तो चार जब इधर भेजेंगे दूसरे तरफ तो गुड़ाए तो भाग में आ जाएगा नीचे इसके आ जाएगा तो एन इधर बराबर हो जाएगा क्या बत्तीस बटा चार अब इसको काट लीजिए चार एकम चार चार बटे बत्तीस नीचे से एक हटा सकते हैं तो आठ बराबर एन आ गया यानी कि एन बराबर आठ आ गया तो आप देख सकते हैं कि भाई आठवां संख्या ही तो इकतीस था तो यही ने पूछा है कि इसका कौन सा पद इकतीस है तो आप बोलेंगे कि इसका आठवां पद इकतीस है तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी लगा लिया चलिए उसी तरह का एक और सवाल लेते हैं ताकि आपका पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाए समांतर श्रेणी इतने का कौन सा पद अड़तीस है यानी एन का मान पूछा जा रहा है भाई और ये ए एन का मान दिया है अब यहाँ से डायरेक्ट रख सकते हैं ना ठीक है डायरेक्ट रखते हैं तो ए बराबर ये हो जाएगा आठ डी बराबर क्या हो जाएगा डी बराबर दस में शायद घटाएंगे दो हो जाएगा अब चूंकि देखिए ये 38 आगे कहीं ना कहीं आने वाला है तो इसी को हम लोग ए एन बोल देते हैं तो ए एन बराबर ये हो जाएगा अड़तीस और हमें एन पता करना है भाई एन एन यही तो पता करना है हमने इसी तरह पीछे सवाल तो देखा अब यहाँ पे सूत्र लगा लेते हैं तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो एन ए एन के जगह क्या रखेंगे अड़तीस रखेंगे तो अड़तीस बराबर ए ए की जगह आठ हो जाएगा प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा एन माइनस वन गुड़ा डी डी के जगह क्या हो जाएगा दो हो जाएगा तो ये हो जाएगा अड़तीस बराबर आठ यहाँ पर दो का गुड़ा करिए एन में तो ये हो जाएगा टू एन इधर गुड़ा करेंगे तो माइनस दो वही काम करिए टू एन इधर ही रहने दीजिए इस आठ को इधर भेज दीजिए तो माइनस आठ हो गया इसको इधर करेंगे तो प्लस दो हो जाएगा भाई जैसे संख्याओं को इधर उधर भेजते हैं ना तो जो रूल लगता है वही रूल लग रहा है अब मैं पर देखिए अड़तीस में सात घटाएंगे क्या हो जाएगा तीस तीस में दो जोड़ेंगे ये हो जाएगा बत्तीस बत्तीस बराबर ये हो जाएगा टू एन ठीक है ना अब यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा n अब दो गुड़ा में तो भाग में आ जाएगा तो बत्तीस बटा दो अब यहाँ से n बराबर हो जाएगा दो से इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा दो से काटेंगे तो दो एकम दो और यहाँ पर काटेंगे दो एकम दो यहाँ पे तीन है तो एक बच जाएगा बारह बन गया दो छे बारह यानी कि ये बन जाएगा सोलह बटे एक यानी कि एन का मान सोलह आ गया यानी कि सिंपल सी बात है भाई सोलहवें नंबर पे ये अड़तीस आने वाला है ठीक है ना यानी कि सोलहवाँ पूछा है ना कौन सा पद अड़तीस है तो आप बोलेंगे सोलहवाँ पद अड़तीस है तो यही आपका आंसर है तो चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल को लगाते हैं ठीक है अगले सवाल को तो यहाँ पे ये सवाल दिया गया है इस सवाल में क्या बोला गया है देखिए ज़रा ध्यान से बोला गया है निम्न समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं यानी कि पद मतलब संख्या यानी कि इस श्रेणी में कुल कितनी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो अपरिमित अपरिमित समांतर श्रेणी है तो भाई हम कैसे कैसे बता सकते हैं गिन तो नहीं सकते हैं लेकिन इसमें आप गिन सकते हैं ये आपका परिमित परिमित समांतर श्रेणी है यहाँ पे हम लोग एक बार समझ लेते हैं देखिए क्या पूछा है कितने पद हैं ना मतलब इसमें कितनी संख्याएं हैं वो पूछा जा रहा है जैसे देखिए यहाँ पे ये परिमित समांतर श्रेणी है तो ये हम डैश डैश हटा देते हैं अगर मैं आपसे कहूँ कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं तो आप बताएँगे ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आप बताएँगे कि नहीं कि, कि इस समांतर श्रेणी में सात पद हैं सात यानी सात संख्याएँ हैं ठीक है ये मैं आगे हटा देता हूँ तो ये परिमित समांतर श्रेणी बन गया अब मैं पूछूंगा इस समांतर श्रेणी में कितनी सं कितने पद हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः यानी कि छः पद बताएंगे ठीक है ना चलिए तो अब यहाँ पे देखिए अब इसी सवाल को आपके पेपर में कैसे लिख के पूछेगा क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको पूरा लिख करके नहीं पूछेगा आपको क्या करेगा शुरू का तीन पद ले लेगा तीन कामा आठ कामा तेरह या चार पद भी ले सकता है फिर कामा फिर बीच में डाट डाट, डाट लगाएगा फिर अंतिम संख्या लिख लेगा यहाँ अड़तीस ऐसे करके ऐसे दे करके फिर सवाल में पूछेगा कि भाई इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं जैसे कि यही वाला सवाल आपसे यह पूछा है देखिए बीच में भले ही डच लगाया मतलब आप बीच वाला आप खुद निकाल सकते हैं चाहें तो।, तो इस सवाल को आपको ऐसे लिख करके पूछा जाएगा अगर आपसे इस सवाल को पूछना रहेगा तो कैसे पूछेगा चार का माँ छः का आठ का मा डा डाडाट डा अंतिम संख्या चौदह लिख देगा और कहेगा बता दीजिए कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं समझ में आए ना तो भाई छः ही पद ना होंगे क्योंकि यहाँ पे आ रहा है अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज़ समझने वाले हैं देखिए जरा इसको ध्यान से समझिएगा यहाँ पर मैं गिनती लिख रहा हूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है ना अब देखिए ये अंतिम संख्या सातवें नंबर पर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है तो ये अंतिम संख्या सातवें नंबर पे आ रहा है तो कुल कुल संख्या भी सात ही है वैसे यहाँ पे आ जाइए इसमें अंतिम संख्या किस नंबर पे आ रहा है एक दो तीन चार पाँच है अंतिम संख्या छठवें नंबर पे आ रहा है तो जब कुल काउंट करेंगे संख्याओं को जो छः ही संख्या होगा बिल्कुल वैसे ही मेरे भाई बिल्कुल वैसे ही देखिए ये समांतर श्रेणी है ठीक है तो ये पहले नंबर पे आता है ये दूसरे नंबर पे तीसरे ये चौथे नंबर पे अगर हमें ये अंतिम संख्या दी है इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये किस नंबर पे आता है मान लीजिए कि ये ये मान लेते हैं पंद्रह नंबर पे आ रहा है तो अगर ये पंद्रहवें नंबर पे आएगा तो कुल पदों का संख्या भी पंद्रह ही हो जाएगा ये सोलहवें नंबर पे आएगा तो कुल पदों की संख्या भी सोलह हो जाएगा तो हमें यही चीज़ नहीं पता तो इसी को हम लोग एन बोलेंगे ना भाई इसी को क्योंकि नीचे वाला यही एन होता है तो जो अगर ये वाला पता नहीं है तो उसको हम एन मान लिया करेंगे यानी कि इसमें भी हमें एन का मान ही ज्ञात करना है समझ में आ गया अब देखिए यहाँ पे तीन के ऊपर दस लिखा है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं ए थ्री बराबर दस चार के ऊपर दस लिखा है तो ए फोर बराबर तेरह लिखते हैं कि नहीं बिल्कुल वैसे ही एन के ऊपर सैंतीस है तो हम लोग ए एन बराबर क्या लिखेंगे सैंतीस ही लिखेंगे समझ में आया ना बात यानी कि इस तरह के सवाल में जो अंतिम संख्या लिखा है उसको ए एन बराबर हम लोग बोल देते हैं चाहे दिमाग में बैठा लीजिए आप अंतिम संख्या को ए एन ही बोलते हैं बस इतना समझ लीजिए तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे इस सवाल को लगाने के लिए सबसे सब सबसे पहले तो ए और डी आप हमेशा निकाल लिया करेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा चार डी बराबर क्या हो जाएगा सात में से चार घटाएंगे तीन और ये जो अलग से दिया है इसको लिख लेते हैं ए एन बराबर क्या हो जाएगा सैंतीस यानी इसमें भी आपको ए नहीं ज्ञात करना है तो अब सूत्र लगाइए तो ए एन बराबर ये हो जाएगा ए प्लस ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी सभी का मान रखिए ए एन ए एन के जगह क्या रख देंगे सैंतीस बराबर ए एक की जगह हो जाएगा चार एन तो आपको निकालना है तो इसके जगह कुछ रख ही नहीं पाएंगे गुड़ा डी डी की जगह हो जाएगा तीन ठीक है अब यहाँ पे इसको हल करिए तो ये हो जाएगा सैंतीस बराबर चार तीन का गुड़ा करेंगे तो इसमें गुड़ा करेंगे तीन एन माइनस तीन अब ये हो जाएगा तीन एन को इधर ही छोड़िए बाकी इसको इधर बुलाइए इसको बुलाइए तो ये हो जाएगा सैंतीस प्लस चार का इधर आएगा माइनस चार हो जाएगा माइनस तीन इधर आएगा प्लस तीन हो जाएगा अब देखिए सैंतीस में से चार घटाएंगे तैंतीस और तैंतीस में तीन जोड़ेंगे ये हो जाएगा छत्तीस बराबर तीन एन तो यहाँ से एन बराबर हो जाएगा छत्तीस बटा तीन यही तीन नीचे आ गया तीन से इसको काट दीजिए तो देखिए तीन से काटते हैं तो तीन एकम तीन ये कट गया तीन दो न छः बारह यानी कि एन बराबर आ गया बारह यानी कि कुल मिला के इस समांतर श्रेणी में बारह संख्याएँ मौजूद हैं ठीक है ठीके? मैं इसको प्रैक्टिकली करके बता दे रहा हूँ देखिए पहला चार है दूसरा संख्या सात है फिर दस है फिर तेरह है आगे बढ़ाते जाते हैं ठीक है ठीके? तो देखिए चार सात दस तेरह यही है ना चार सात दस तेरह क्या जोड़ा गया है भाई आ, तीन जोड़ा गया है सात में तीन जोड़ेंगे दस दस में तेरह तेरह में तीन जोड़ेंगे सोलह सोलह में तीन जोड़ेंगे उन्नीस उन्नीस में तीन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आ, ये हो जाएगा बाईस बाईस में तीन जोड़ेंगे ये हो जाएगा पच्चीस पच्चीस में तीन जोड़ेंगे ये हो जाएगा अट्ठाईस अट्ठाईस में तीन जोड़ेंगे ये हो जाएगा इकतीस इकतीस में तीन जोड़ेंगे ये हो जाएगा चौंतीस चौंतीस में तीन जोड़ेंगे ये हो जाएगा सैंतीस और सैंतीस में तीन जुड़ेंगे ये हो जाएगा चालीस अभी भी ये सिलसिला आगे बढ़ता ही जाएगा तो देखिए पहले नंबर पर आ रहा है दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठ सातवें आठवें नौ ये दस ये ग्यारह ये बारह ये तेरह ठीक है ना तो आपसे केवल पूछा है सैंतीस पे जाके रुक जाना है तो ये मैं सैंतीस पे देखिए आके रुक गया केवल यहीं तक बताना है कि समांतर श्रेणी में कितने पद ये आगे हटा दिए तभी तो परिमित बनेगा तो आप देख सकते हैं कि आगे बढ़ाने पर ये बारह है यानी बारह संख्या ही तो मौजूद है इसमें देखिए गिन लीजिए ऐसे करके समझ में आ गया ना तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया हूँ ठीक है अब देखिए इसमें पूछा है कुल कितने पद हैं तब भी आप बिल्कुल उसी तरह लगा रहे हैं एन यानी पूछा है कितने पद है तो आप ए नहीं निकाल रहे हैं इसमें आपसे पूछा गया था कौन सा पद अड़तीस है तो इसमें भी आप ए नहीं निकाल रहे हैं समझ में आ गया ना कि तो ये दोनों आप लोग एकदम समझ लीजिए बढ़िया से इन दोनों को एक ही जैसे लगाते हैं यानी कि अगर पूछेगा कौन सा पद इतना है तो बस आप इतना समझ लीजिए कि लास्ट वाला पद अड़तीस है तो इसी को ए एन बोल दिया जाएगा और इसमें तो आपको ए एन बोलना ही है यानी दोनों एक ही तरीके से लग रहा है चलिए इस और सवाल को हल करते हैं देखिए इसमें क्या बोला है निम्न समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या पदों मतलब कुल संख्याओं की संख्या यानी कितने पद हैं ये पूछा गया है तो बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे इसको हम लोग ए एन बोल देंगे और ए और डी तो हमेशा निकालना रहता है अब यही सूत्र में सभी का मान रख देंगे फिर एन निकाल लेंगे तो एन बराबर आठ आ जाएगा आप चाहें तो देख सकते हैं एन का मान कैसे निकाला गया है ठीक है लास्ट में लिख देंगे अतः कुल पदों की संख्या आठ है ठीक है तो इस तरीके से हमने ये बढ़िया से निकालना सीख लिया ठीक है अब देखिए हम लोग इस सवाल को लगाना चालू कर रहे हैं ये सवाल क्या है समांतर श्रेणी इतने के प्रथम आठ पदों का योग ज्ञात कीजिए देखिए योग शब्द आ गया ना तो अब आपका पहला वाला वो फार्मूला नहीं लगेगा ठीक है योग वाला सूत्र लगेगा जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखे देख रहे हैं उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा तभी वो लोग यहाँ तक देख रहे हैं ठीक है तो देखिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा उनका भी फायदा हो जाएगा ना ठीक है तो आप उन्हें शेयर जरूर कर दीजिए और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को कम से कम एक लाइक तो कर सकते हैं तो उतना लाइक भी कर दीजिए तो चलिए इस सवाल को लगाने के लिए ना सबसे पहले हम लोग योग का सूत्र देख लेते हैं ठीक है और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं फिर आपसे ये सवाल आराम से लग जाएगा तो चलिए समझते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे योग वाला सूत्र लिख लेता हूँ ये होता है एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई टू कोष्टक में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी देखिए इसको आप लोग एकदम बढ़िया से रट रट लीजिए इसी से आपका सवाल लग जाएगा योग निकालने का एक सूत्र है अभी मैं इसको समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है ये ए तो वही चीज़ है पाला संख्या डी तो वही है, सर्वांतर है ठीक है और इसमें एन तो आपको प, आपको एन देखिए एन क्या है आप मान लीजिए कि छः पदों का योग निकालना चाहते हैं योग मतलब कि जोड़ योग का मतलब क्या है योग का मतलब है जोड़ अभी मैं समझा देता हूँ देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपने मन से एक समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ एक मैं यहाँ पे समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ समांतर श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी है मान लीजिए चार इसमें मैं तीन जोड़ते हुए जा रहा हूँ तीन तो चार तीन सात हो जाएगा सात तीन दस हो जाएगा और दस तीन तेरह हो जाएगा तेरह तीन सोलह हो जाएगा सोलह तीन उन्नीस हो जाएगा उन्नीस तीन बाईस हो जाएगा चलिए ये सिलसिला आगे तक चलता जाएगा ठीक है अगर मैं कहूँ कि इस समांतर श्रेणी में एक पद का योग क्या होगा मतलब केवल एक संख्या को जोड़ने पर क्या आएगा तो एक संख्या को जोड़ने पर वही आने वाला है संख्या ठीक है अब मैं अगर आपसे कहूँ इस चलिए मैं गिनती भी लिख देता हूँ चाहे वैसे भी समझ लीजिए अगर मैं कह दूँ कि इस समांतर श्र में दो गो संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा तो भाई दो गो संख्याओं को जोड़ेंगे तो चार सात ग्यारह आ जाएगा अगर मैं कहूँ ही समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा तो चार सात ग्यारह ग्यारह दस इक्कीस आ जाएगा क्या आ जाएगा इक्कीस आ जाएगा तो ये जो आप दिख रहा है ना देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पे एस के नीचे एक लिखा है ना मतलब हम समांतर श्रेणी की एक संख्या का योग लिखने का तरीका ये है एस वन एस टू का मतलब क्या हो गया एस टू का मतलब हो गया कि समांतर श्रेणी के दो गो संख्या को जोड़ने पर ग्यारह आता है मतलब ग्यारह को लिखने का दूसरा तरीका ये है एस टू एस टू का मतलब हो गया कि दो संख्याओं का योग मतलब इतना समझिए एस टू कहीं पर लिखा है तो उसको आप ये पढ़ेंगे एस टू भी पढ़ सकते हैं इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि दो संख्याओं का योग योग मतलब जोड़ यानी दो संख्याओं का जोड़ ऐसे भी पढ़ सकते हैं एस थ्री कहीं पर लिखा है तो समझिए कि तीन संख्याओं का जोड़ ऐसे पढ़ सकते हैं ठीक है ऐसे ही एस फोर लिखा है मतलब कि चार संख्या को जोड़ने पर क्या आएगा तो चार सात ग्यारह ग्यारह दस इक्कीस और यहाँ पे इक्कीस जोड़ देंगे तो तीन एक चार ये हो जाएगा चौंतीस समझ में आया कि नहीं लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि इसी समांतर श्रेणी में पचास पचास संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है एस पचास तो पचास पद यानी पचास पद को जोड़ेंगे तो क्या आएगा तो क्या ऐसे जोड़ते बताते हुए चलेंगे नहीं ना तो वहाँ पे आपका सूत्र काम आ जाता है ठीक है जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूंगा चलिए इसको छोड़ देते हैं अभी सवाल लगाते हैं डायरेक्ट तो देखिए सवाल ये है ठीक है बोला क्या है समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी सात बारह कमा सत्रह कमा डाट डाट डाट, डाट इस समांतर श्रेणी के आठ पदों का योग बता देना है यानी कि पदों मतलब संख्याओं यानी आठ संख्याओं का योग यानी आठ संख्याओं को जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा वही पूछा गया है ठीक है तो हम इसको सबसे पहले सूत्र से लगाएंगे फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा तो यहाँ पर सबसे पहले तो ए और डी लिख लीजिए तो ए बराबर हो जाएगा सात डी बराबर क्या हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा बारह में से सात घटाएंगे पाँच हो जाएगा ठीक है अब आठ पदों का योग निकालना चाहते हैं ना तो एन बराबर आठ हो जाएगा ठीक है यानी कि जितने पदों का योगफल निकालना चाहते हैं एन वही होता है अगर आप दस पदों का योग निकालना चाहते हैं तो एन बराबर दस लेते हैं बस ऐसे ही अब यहाँ पे योग पूछा है तो भाई योग वाला सूत्र लगाएंगे ना तो योग वाला सूत्र लगाइए एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक में टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इसी में सभी का मान रख दीजिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा एस एन की जगह क्या रख देंगे आठ बराबर एन की जगह क्या आठ ही रखेंगे तो ये हो जाएगा आठ बट्टा दो अब यहाँ पे देखिए टू ए बीच में कुछ नहीं तो गुड़ा होगा तो दो गुड़ा ए ए की जगह क्या रखना है सात रखना है प्लस यहाँ पे फिर रखिए एन माइनस वन एन की जगह हो गया आठ माइनस वन फिर गुड़ा डी डी की जगह क्या हो जाएगा पाँच हो जाएगा इसको ज़रा हल करते हैं तो भाई हल करने का भी नियम बनाए नियम बनाए नियम क्या है इस बाहर वाले को जो है ना इसको नहीं इसको अभी रहने दीजिए चाहे आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं कटने लायक है तो काट दीजिए नहीं काटना चाहते तो वैसे ही लिखते चलिए बाकी सबसे पहले हमारा मेन काम होगा कि इस कोष्टक के अंदर वाला हल करना तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ गूड़ा कर लेते हैं दो सादे चौदह यहाँ पे घटा के गूड़ा कर लेते हैं देखिए तो आठ में से घटेगा सात सात पचे ये हो जाएगा पैंतीस यानी इसका गूड़ा कर लेना है यहाँ पर घटा के गूड़ा करना ऐसे ही करेंगे तो आंसर सही होगा नहीं तो गलत भी हो सकता है एस आठ बराबर हो जाएगा आठ बटा दो यहाँ पे कोष्टक में क्या हो जाएगा जोड़ लीजिए तो चार पाँच ये हो जाएगा नौ और तीन एक चार उनचास हो गया एस आठ बराबर हो जाएगा आठ बटा दो फिर यहाँ पे गुड़ा हो जाएगा उनचास भाई दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुड़ा ही तो होगा अब इसको काट लीजिए तो दो चौक आठ हो गया तो एस आठ बराबर अब चार का गुड़ा करेंगे तो चार नवा छत्तीस के छह हासिल तीन चार चौक सोलह सोलह तीन उन्नीस यानी कि इस समांतर श्रेणी के आठ पदों को जोड़ेंगे ना तो एक सौ छानबे ही आने वाला है सूत्र से ठीक है तो जब भी ये सवाल है पेपर में तो ऐसे ही लगाएंगे ये आपका आंसर हो जाएगा बाकी इसको मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखा दे रहा हूँ मतलब आंसर आप लगा सकते हैं आंसर तक पहुँच सकते हैं बिना सूत्र की सहायता से चलिए सात बारह सत्रह ये समांतर श्रेणी लिखते हैं सात बारह सत्रह ठीक है अब इसमें देखिए सात पाँच 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 जोड़ा गया इसमें पाँच जोड़ेंगे तो सत्रह पाँच सत्रह पाँच बाईस इसमें पाँच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सत्ताईस इसमें पाँच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बत्तीस फिर इसमें पाँच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सैंतीस इसमें पाँच जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बयालीस फिर पाँच जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सैंतालीस ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ जाएगा तो भाई इसमें आठ पदों का योग पूछा है ना तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ यानी इन्हीं सबको जोड़ने पर क्या आएगा इन सबको जोड़ने पर एक सौ छानवे ही आएगा जोड़ के देख लीजिए भाई देखिए जोड़ते हैं दो सात नौ नौ दो ग्यारह ग्यारह सात अट्ठारह दो बीस बीस सात सत्ताईस सत्ताईस दो उनतीस और उनतीस ये हो जाएगा छत्तीस तो छत्तीस के छः हासिल तीन तीन चार सात सात तीन दस तीन तेरह तेरह दो पंद्रह दो सत्रह एक अठारह एक उन्नीस आप देख लीजिए एक सौ छानवे ही आ रहा है तो आंसर आंसर तक पहुँचने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आपको सूत्र ही याद हो मतलब आंसर से अगर आपको केवल मतलब है तो ऐसे भी बता सकते हैं यानी कि जब भी अगर ये अगर आपको ऑप्शन आप वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको ऐसे इतना लगा सकते हैं या फिर चाहे तो प्रैक्टिकली भी बता सकते हैं इसको ठीक है चलिए इसी तरह से एक और सवाल हो गया इसको लगाते हैं क्या बोला है हाँ समांतर से इतने के प्रथम तेरह पदों का योगफल ज्ञात कीजिए पदों तक या फिर पदों का बात वही है तेरह पदों का योगफल याद कीजिए ठीक है तो प्रथम का मतलब होता है कि शुरू से वही होता है तो सबसे पहले ए और डी तो हमेशा लिखना है इसको याद कर लीजिए अब ये हो जाएगा डी डी बराबर क्या हो जाएगा छह में चार घटाएंगे दो हो जाएगा और तेरह पदों का ये खुल बताना है तो एन बराबर तेरह हो जाएगा अब यहाँ पे सूत्र लिख दीजिए तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई टू कोष्टक में टू ए सूत्र तो हमेशा लिखेंगे भाई ये हो जाएगा एन माइनस वन इन डी सभी का मान रखिए तो ये हो जाएगा एस एन एन की जगह हो जाएगा तेरह बराबर ये हो जाएगा तेरह बटू दो कोष्टक में दो गुड़ा ए ए की जगह क्या हो जाएगा चार प्लस एन माइनस वन एन की जगह हो जाएगा तेरह माइनस वन फिर गुड़ा डी डी की जगह क्या हो जाएगा दो हल करिए हर हल करते हैं इसको तो एस तेरह बराबर हो जाएगा तेरह बटे दो कोष्टक में सबसे पहले गुड़ा करना है तो दो चौक आठ हो गया प्लस यहाँ पर देखिए तेरह में से घटेंगे बारह बारह दूना चौबीस हो जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा एस तेरह बराबर तेरह बटे दो और गुड़ा डायरेक्ट लगा देते हैं जोड़ते हैं तो चौबीस आठ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बत्तीस ठीक है अब काट दीजिए तो दो से काटेंगे तो दो एक कम दो 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 छा बारह तो एस तेरह बराबर हो जाएगा तेरह का गुड़ा करते हैं इसमें सोलह में अब देखिए इन दोनों का गुड़ा करेंगे तो ये आपका आ जाता है दो सौ आठ तो यही आपका क्या है यही आपका आंसर है ठीक है अब मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप इसको आगे बढ़ा करके तेरह पदों को जोड़ेंगे ना तब भी यही आने वाला है आंसर ठीक है आप उत्तर की जाँच ऐसे ही कर सकते हैं चाहें तो यहाँ पे एक सवाल और लगाते हैं ये दूसरे तरह का सवाल है देखिए क्या बोला है नीचे दी गई समांतर श्रेणी में कुल पदों का योगफल बता दीजिए यानी कि ये समांतर श्रेणी लिखा हुआ है इस समांतर श्रेणी में कुल पदों को जोड़ने पर क्या आएगा ये पूछा है तो सबसे पहले यहाँ पे ए और डी लिखिए तो ए बराबर हो जाएगा बारह डी बराबर क्या हो जाएगा पंद्रह में से बारह घटाएंगे तीन हो जाएगा अब हमें अगर पता रहेगा कि कितने इसमें पद हैं तभी तो हम निकाल पाएंगे यानी कि हमें पता ही नहीं कि प एन है क्या चीज़ यानी इसमें कितने पद हैं तो हम कैसे निकाल पाएंगे ठीक है तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे उसके बाद हम लोग हल करेंगे तो भाई पदों का संख्या कैसे निकाला जाता है हमने सीख लिया है पीछे कैसे निकालेंगे ये एक हो गया ये दो हो गया तीन हो गया वैसे यहाँ नीचे कुछ होगा ना उसी को एन बोल देते हैं मान लीजिए एन है तो हम यहाँ पर बोल देते हैं कि आपका ये दिया गया है ए एन बराबर क्या दिया गया है ए एन बराबर तीस दिया गया है तो सबसे पहले तो हम एन पता करेंगे तो एन पता करने के लिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे ना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसी से एन निकलेगा तो ए एन ए एन के जगह क्या रख देंगे तीस बराबर ए की जगह हो जाएगा बारह प्लस ये हो जाएगा एन माइनस वन गुड़ा डी डी की जगह क्या हो जाएगा तीन तो तीस बराबर बारह तीन का गुड़ा करेंगे तो तीन एन माइनस तीन हो गया तो ये हो जाएगा तीस बराबर नहीं ऐसे नहीं बारह को इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा तीस माइनस बारह ये माइनस इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस तीन बराबर ये हो जाएगा तीन एन अब तीस में से बारह घटा देंगे तो क्या आपका आ जाएगा अट्ठारह और अट्ठारह तीन क्या हो जाएगा इक्कीस हो जाएगा ठीक है तो इक्कीस बराबर ये हो जाएगा थ्री एन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एन ये तीन नीचे आ जाएगा तो इक्कीस बटे तीन तीन एकदम तीन तीन सात इक्कीस यानी कि एन बराबर सात यानी कि कुल मिला के आ, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे आगे बढ़ाते जाएंगे तीस पे रुकना है आपको तो कुल पद कितने होंगे सात होंगे अब इन्हीं सातों पदों का योगफल निकालना है तो बस फार्मूला लगा दीजिए भाई तो ए बराबर आपको पता चल ही चुका है बारह डी बराबर आपको पहले से ही पता है तीन और अब पदों का संख्या भी आ चुका है सात तो अब फार्मूला लगा के इसका मान निकाल लीजिए तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई टू कोष्टक में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है चलिए सभी का मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा एस एन की जगह क्या हो जाएगा सात बराबर ये हो जाएगा सात बटे दो कोष्टक में दो गुड़ा ए ए की जगह हो जाएगा बारह प्लस एन की जगह हो जाएगा सात माइनस वन गुड़े डी डी हो जाएगा तीन इसको हम थोड़ा डायरेक्ट लगाते हैं ठीक है ना तो ये हो जाएगा सात बटे दो ये हो जाएगा बारह दो न चौबीस चौबीस में जोड़ना है किसको इसको छत्री अट्ठारह अट्ठारह को जोड़ना है तो ये गुड़ा लगाइए आठ चार बारह दो एक तीन एक चार इतना तो कर सकते हैं मतलब गुड़ा करके मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया अब काटिए तो दो दो ना चार दो एक कम दो अब ये हो जाएगा सात एकम सात सात दो न चौदह यानी कि यही आपका आंसर है ठीक है ना इसको आप चाहें तो आगे बढ़ा करके इनको जोड़ेंगे ना तो बिल्कुल यही आने वाला है बिल्कुल यही आएगा चलिए अब हम लोग सवाल एक सवाल लगाते हैं जो कि पेपर में आ चुका है इसी साल दो में क्या बोला है आठ के प्रथम पंद्रह गुड़जों का योग बताइए तो सबसे पहले समझ में आना चाहिए आपको कि गुड़ा जी किसे कहते हैं तो एकदम सिंपल भाषा में इसको समझ लीजिए देखिए जरा <coughs> यहाँ पे मैंने मान लीजिए लिखा तीन ठीक है अच्छा अलग से समझ लेते हैं इसको गुड़ा जी यहाँ पे क्या होता है वो हम समझने वाले हैं ठीक है ये मैंने तीन लिखा तीन का पहाड़ आपको आता ही है चाहे कोई दिक्कत नहीं इसमें हम तीन में एक का गुड़ा करेंगे तो तीन बन गया तीन में हम दो का गुड़ा करेंगे तो छः बन गया अब हम तीन का तीन में गुड़ा करेंगे तो तीन तरीके नौ फिर चार का गुड़ा करेंगे तीन चौक बारह फिर पाँच का गुड़ा करेंगे पंद्रह हो गया छः का गुड़ा करेंगे अठारह हो गया सात का गुड़ा करेंगे इक्कीस ये बताइए सात का गुड़ा करेंगे फिर आगे लिखेंगे आठ का गुड़ा करेंगे फिर नौ का गुड़ा करेंगे फिर दस का गुड़ा करेंगे फिर ग्यारह का फिर बारह का तेरह का चौदह का पंद्रह का ऐसे कभी ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है तो इन्हीं सब को हम तीन के इन सबको ये जो संख्याएं हैं ना इन सभी संख्याओं को हम तीन का गुड़ाज बोलते हैं समझ में आ गया ना ठीक है वैसे ही आठ का गुणा जो क्या होगा आठ का गुणा हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो क्या होगा आठ का गुणा जो हो जाएगा आठ फिर ए, आठ में दो का गुणा करेंगे सोलह फिर तीन का गुणा करेंगे चौबीस ठीक है फिर चार का गुणा करेंगे बत्तीस फिर पाँच का गुणा करेंगे चालीस फिर छः का गुड़ा करेंगे ये हो जाएगा अड़तालीस ये सिलसिला का भी खत्म नहीं होगा तो यही यही सब तो आठ के गुड़ज हैं तो इसी तरह से पंद्रह गुड़ज का योगफल बताना यानी कि एक दो तीन चार पाँच ऐसे पंद्रह को निकाल लीजिए उन्हीं पंद्रह को जोड़ने पर क्या आएगा यही पूछा है तो मेरे भाई आप देख सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी बन रहा है देखिए इसमें हम आठ जोड़ेंगे तो अगला आ जाएगा इसमें भी आठ जोड़ेंगे अगला आ जाएगा इसमें भी आठ जोड़ेंगे अगला आएगा आठ जोड़ेंगे यानी ये समांतर श्रेणी है यानी सूत्र लगा दीजिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा आठ डी बराबर भी आठ होगा भाई दोनों सेम हो सकता है बिल्कुल हो सकता है डी बराबर भी आठ ही होगा ना ए बराबर तो आठ है ही और इसमें पंद्रह पदों का योग खुलवाता ना है यानी कि एन बराबर ये हो जाएगा पंद्रह ठीक है अब डायरेक्ट फार्मूला लगाइए तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई टू कोष्टक में ये हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इसी में सभी का मान रखिए तो पंद्रह ये हो जाएगा एस पंद्रह बराबर पंद्रह बटा दो कोष्टक में दो गुड़ा ए एक जगह हो जाएगा आठ प्लस एन की जगह हो जाएगा पंद्रह माइनस एक फिर गुड़ा डी डी की जगह क्या हो जाएगा आठ चलिए लगाते हैं तो ये हो जाएगा पंद्रह बटा दो कोष्टक में आठ दो 16 सोलह प्लस पंद्रह में से एक घटाएंगे चौदह और चौदह आठ क्या हो जाएगा एक सौ बत्तीस यहाँ पर मैंने गड़बड़ गर्ब, गड़बड़ गुड़ा कर दिया एक सौ बारह होगा ठीक है चौदह व आठे एक सौ बारह होता है ठीक है तो ये हो जाएगा पंद्रह बटे दो गुड़ा लगा दीजिए अब इनको जोड़िए तो छः दो क्या हो जाएगा आठ और ये हो जाएगा दो और ये एक सौ अट्ठाईस अब दो से काट लीजिए तो दो छका बारह होता है दो चौका आठ होता है अब पंद्रह और चौंसठ का गुड़ा करेंगे तो पंद्रह चौको साठ हासिल छः पंद्रह छका नब्बे नब्बे छः च्छा, छियानबे यानी कि ये आपका आ जाएगा नौ सौ साठ ये आपका आंसर होगा इसके आंसर तक तो पहुंचने के लिए आराम से लगा सकते हैं कैसे ऐसे ही पंद्रह को निकाल लीजिए उन्हीं पंद्रह को जोड़ लीजिए तो यही आपका आंसर आने वाला है एक सवाल और लगाते हैं जो कि आपके पेपर में आया हुआ है देखिए ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ है इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं देखिए तो बोला गया है एक्स के किस मान के लिए एक्स के किस मान के लिए दो एक्स एक्स प्लस आठ तीन एक्स माइन प्लस एक समान्तर श्रेणी में होंगे ठीक है यानी कि एक्स का मान बता देना है तो इसको कैसे लगाते हैं देखिए ये हो गया दो एक्स ये हो गया एक्स प्लस आठ और तीन एक्स प्लस एक ठीक है ये समझिए कि समांतर श्रेणी के तीन संख्याएं तीन पद हैं समझ लीजिए तो एक्स की जगह कौन सी संख्या रखें कि ये समांतर श्रेणी में बन जाए यही पूछना चाह रहा है ठीक है ना तो इसको कैसे लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं देखिए जब ये समांतर श्रेणी में है तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें से इसको घटाएंगे तो जो आने वाला है इसमें से इसको घटाएंगे तो वही वह आने वाला है क्योंकि समांतर श्रेणी में है ठीक है तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम इन तीनों को कोष्टक में कर लेते हैं नहीं तो गलती होने का चांस बहुत रहता है अब हम क्या करेंगे Uh, सबसे पहले इन दोनों को ले लेते हैं तो इसको घटाते हैं इसको सबसे पहले लिख लेते हैं इसको हम सबसे uh, मतलब इसको बाद में लिख लेते हैं ऐसे करके अभी घटाते हैं तो यहाँ से घटाने पर जो आएगा किसके बराबर होगा इसमें से इसको घटाएंगे तो अब घटा लीजिए तो ये हो जाएगा तीन एक्स प्लस एक माइनस ये हो जाएगा क्या एक प्लस आठ ऐसे ही करके यानी जब इस तरह का सवाल आए ना बिल्कुल यही आपको काम करना है कि इसमें से इसको घटा के बराबर लगाना है इसमें से इसको ऐसे करके अब यहीं से हम लोग एक्स कमान निकाल लेते हैं अब देखिए इस सवाल में कई तरह से सवाल बन सकता है एक्स के जगह आपको वाई रख सकता है तो हर जगह वाई वाई आएगा और कहेगा वाई कमान बताइए तो ऐसे ही करेंगे एक्स की जगह ए रख सकता है एक्स की जगह के रख सकता है तो ऐसे ही तरीका है लगाने का इसको हल करके एक्स मान निकालते हैं तो देखिए सबसे पहले कोष्टक हटाना पड़ेगा और कोष्टक हटाने के लिए कोष्टक के बाहर जो है इसका गूड़ा करना पड़ता है तो यहाँ कोष्टक के बाद कुछ नहीं है तो डायरेक्ट हम हटा सकते हैं यहाँ गूड़ा करेंगे तो माइनस दो एक्स हो गया जाएगा यहाँ पे वैसे ही हटा दिए तीन एक्स प्लस एक हो गया माइनस का गूड़ा करेंगे तो माइनस का गुड़ा करेंगे इधर हो जाएगा माइनस एक माइनस का इधर गुड़ा करेंगे तो माइनस आठ हो जाएगा ठीक है अब इसको हल करिए तो एक्स एक्स वाला एक्स के साथ हल होगा ना तो एक्स माइनस एक्स ये आपका बन जाएगा माइनस एक्स और आठ को आठ रहने दीजिए यहाँ पे हल करते हैं तीन एक्स ये माइनस एक्स ये आपका घट के दो एक्स बन जाएगा अब यहाँ पे देखिए एक प्लस एक माइनस आठ ये हो जाएगा आपका माइनस सात हो जाएगा ठीक है मतलब ये आपको हल का नहीं तना आना चाहिए ठीक है अब देखिए हम x का मान निकालना है तो बराबर के एक तरफ x करिए दूसरे तरफ संख्या भेज दीजिए तो ये हो गया x इसको इधर करेंगे तो माइनस दो एक्स हो जाएगा बराबर इस वाले को उधर भेज देते हैं तो माइनस आठ हो गया ये हो जाएगा माइनस साठ इसको हल करेंगे तो माइनस थ्री एक्स हो गया इसको हल करेंगे तो माइनस पंद्रह हो गया अब माइनस माइनस काट सकते हैं अब यहाँ से एक बराबर हो जाएगा पंद्रह बटे तीन तीन एकदम तीन तीन पाए पंद्रह यानी कि एक बराबर पाँच आ जाएगा ये आपका आंसर है यानी कि x की जगह अगर आप पाँच रखते हैं x की जगह इसमें पाँच रख देंगे ना तो समांतर श्रेणी में हो जाएंगे रख के देखिए पाँच पाँच दूना ये दस बन गया पाँच आठ पाँच तेरह बन गया पाँच या पंद्रह एक सोलह बन गया आप देख सकते हैं ये समांतर श्रेणी में देखिए यहाँ पे तीन जोड़ के आया फिर तीन जोड़ के समांतर श्रेणी में हो गया कि नहीं एक्स के जगह पाँच के अलावा कुछ दूसरा रखेंगे ना तो ये समांतर श्रेणी में नहीं बनेगा रख के देख लीजिएगा तो ऐसे ही लगाने का तरीका है यही आपका आंसर है तो इतना मेहनत से मैंने आपको समझाया है आपको समझ आ भी गया है तो मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के फायदे के लिए उसे भी शेयर कर दीजिए